फीवर ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। आज हम बात करेंगे कि अगर एक कैंसर का पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहा है और उसको फीवर आता है तो क्या करना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, बट आई थॉट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली मेम्बर्स कि वो जाने कि इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। किसी भी कैंसर पेशेंट को जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है अगर फीवर आता है तो अक्सर कई बार हमें लगता है वायरल होगा, हो सकता है हो, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। तो आपको अपने डॉक्टर्स को बताना है। कैंसर पेशेंट के दौरान फीवर का कारण सबसे पहले तो इन्फेक्शन है ऑब्वियसली। अब ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, ये इन्फेक्शन वायरल हो सकता है, ये इन्फेक्शन फंगल हो सकता है। हम लोग क्यों डरते हैं एक फीवर होना कैंसर पेशेंट के अंदर? क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट्स के दौरान अक्सर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो लो इम्यूनिटी में एक छोटा सा इन्फेक्शन भी लीथल हो सकता है, घातक हो सकता है। कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के दौरान अगर वो कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो अक्सर कुछ कैथेटर्स डले होते हैं जिसको कि पिक लाइन या कीमोपोर्ट्स बोलते हैं, वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स के दौरान इफ़ यू आर अंडरगोइंग कीमोथेरेपी, आपका इम्यूनिटी लो होता है बिकॉज TLC लो हो जाता है। तो TLC शरीर के लड़ने की शक्ति होती है। लो TLC में जो फीवर एक नॉर्मल आदमी को छोटा सा गला ख़राब होगा, वो एक कैंसर पेशेंट को एक भयंकर निमोनिया का रूप भी ले सकता है। कैंसर पेशेंट्स को अक्सर हम लोग देखते हैं छोटी सी खांसी टर्न्स आउट टू बी फंगल निमोनिया। तो ऐसे में हमें सबसे पहले क्या करना है? तो कोई भी फीवर जो 100 डिग्री से ज़्यादा है या लो ग्रेड फीवर जो लंबे समय चल रहा है, आपको अपने कैंसर फिजिशियंस को उनके बारे में बताना है। हम लोग एज डॉक्टर्स जब हमें कॉल आता है कि पेशेंट को फीवर है, तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप या तो हॉस्पिटल आइए, अगर दूर हैं तो अपने जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है उसको दिखाइए। द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम लोग जो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, वो होती है एक CBC। CBC के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? TLC काउंट कितना है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है। यूजली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 3000 से ज़्यादा हो। अगर 3000 से कम है तो पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, सो दिस बिकम्स अ क्रिटिकैलिटी। बाकी जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन, वो भी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तो अगर एक पेशेंट का TLC नॉर्मल है, प्लेटलेट्स नॉर्मल हैं और हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो बाय एंड लार्ज एक क्रिटिकल इमरजेंसी इमीडिएटली नहीं होती। फिर दैट पेशेंट कैन वेट टिल 12 आवर्स 24 आवर्स बिफोर कमिंग टू हॉस्पिटल। मगर अगर TLC कम है, 3000 से कम है, तो फीवर इन अ TLC इज़ कॉल्ड एज फिब्राइल न्यूट्रोपिनिया। ये Level 1 इमरजेंसी है किसी भी कैंसर पेशेंट्स में। तो मैंने क्या बताया कि अगर फीवर है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही, तो अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन को दिखा के इमीडिएटली एक TLC कराइए। और अगर TLC कम है, TLC इज़ पार्ट ऑफ CBC, तो आपको कुछ भी करके अपने कैंसर सेंटर में जाना है। लास्टली, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपके पेशेंट को फीवर है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि फ़ोन पे ट्रीटमेंट अवॉइड कीजिए। बिकॉज फ़ोन पे जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल भी आपको जज नहीं कर पाते कि आप कितने क्रिटिकल हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्रिटिकलिटी मिस हो जाती है फ़ोन पे। पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उधर से डॉक्टर कुछ बेसिक सी दवाई दे देते हैं, एंड दिस कैन रियली मेक थिंग्स वर्स। तो फीवर इन अ कैंसर पेशेंट हु इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, आपको जाके एक डॉक्टर को दिखाना है, अपने फिजिशियन को। और अगर फीवर के अंदर CBC कराया और TLC कम है, तो सारे काम छोड़ के पहले आपको हॉस्पिटल, इमरजेंसी या OPD पहुंचना है। थैंक यू।